अगर आप उत्तराखंड से हो या हिमाचल से हो और ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप इस चीज़ को जानते होंगे, इसको बोलते हैं त्यंबड़, और जो कि एक जंगली अंजीर है और ये पहाड़ों के जंगलों में मिलता है, इसको कोई उगा के नहीं करते हैं। और इसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इसके पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं, जिनकी हम लोग पतले भी बनाते हैं यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में। और इसको पकने के बाद एज ए फ्रूट खाया जाता है, लेकिन जब ये कच्चे होते हैं तो इसकी सब्ज़ी भी बना के खाते हैं या फिर रायता बना करके खाते हैं। तो मतलब ये जो कुल मिला के ये जो फ्रूट है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ है। तो आज अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो मैं आपको इसका रायता बनाना सिखाऊंगी, और जिन जिन के यहाँ पर ये फ्रूट है और उनको इसका रायता नहीं बनाना आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं और मोटा मोटा इसको काटेंगे, ज़्यादा पतला या बारीक नहीं काटने की ज़रूरत है क्योंकि इसको हम करेंगे बॉईल। तो बॉईल करने से पहले यहाँ पर मैं देखिए इसको धो लूँगी, क्योंकि वैसे तो ऑर्गेनिक है और प्राकृतिक है पर फिर भी कुछ ना कुछ लग जाता है इसमें, तो फिर इसको अच्छे से धो लेना है। और धोने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में और 3 से 4 सीटी हम इसमें लगाएंगे, मतलब इसको सॉफ्ट करना है, और उसके बाद जो है हम लोग इसका रायता बनाएंगे। तो बॉईल करने के लिए इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास जो है पानी का ऐड कर लूँगी और उसके बाद वेट करेंगे इसमें 3-4 सीटी आने का, और उसके बाद जो है इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। और मैश करने से पहले इसका देखिए यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया है, इसका जो पानी है उसको निथार लेंगे या निकाल लेंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से हाथ की हेल्प से या कोई भी मैशर हो उसकी हेल्प से इसको अच्छे से मैश करना है और बिल्कुल बारीक करना है। आप चाहो तो इसको चॉप भी कर सकते हो। तो ये देखिए बढ़िया से इसको हमने मैश कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने राई लगाई है और राई को मैंने शाम को लगा दिया था 1 से 1.5 चम्मच, और दही में लगाया था, और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं लस्सी। तो हम लोग इसको लस्सी में भी बनाते हैं और दही में भी बनाते हैं, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप इसको बना सकते हैं, और इसमें इसको ऐड कर लेंगे हम। तो थोड़ा सा इसको चला देंगे ताकि ये इसकी जो मतलब थिकनेस है वो एक बराबर हो जाए, और उसके बाद जो है इसमें कुछ मसाले हम लोग ऐड करेंगे जिनमें प्याज है, हरा धनिया है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें हम इसमें काट करके डाल देंगे। आप चाहो तो चॉप करके भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़े से धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, और हाँ नमक मैंने इसमें डाल दिया था जब मैंने राई लगाई थी इसमें, तभी मैंने इसमें नमक डाल दिया था, तो नमक अभी मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी। लाल मिर्च ऐड कर ली है, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं काट करके, और ये है भुना हुआ जीरा। इतना करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो त्यंबड़ का रायता है या पहाड़ी अंजीर का रायता है वो बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। तो आप इसको चावल के साथ, सब्जी, रोटी, पूड़ी, चपाती सबके साथ खा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल रायता खाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है शरीर के लिए, और अगर आपने इसको कभी ऐसे नहीं बनाया है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।